हेलो एंड नमस्ते, आप देख रहे हैं नीरूस वर्ल्ड। मैं हूं आपकी शेफ एंड होस्ट नीरू। आज हम दाल बनाएंगे, कोई ऐसी वैसी दाल नहीं, वो दाल जो हर इंडियन रेस्टोरेंट में इन इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज्यादा ऑर्डर और पसंद की जाती है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दाल मखनी। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई से नई रेसिपी आप फटाफट से देख सके, कोई भी रेसिपी मेरी आप मिस ना करें। आज हम बनाने वाले हैं दाल मखनी। उसके लिए मैंने ये ली है, ये उड़द की दाल है, काली होल उड़द, जिसको माँ की दाल भी हम लोग बुलाते हैं। इसके लिए मैंने दाल रात को ही सोक कर दी थी, ओवरनाइट इसको मैंने सोक किया है। अब मैं इसको बॉईल करूंगी और बॉईल करने के लिए मुझे मैंने लिया है ये 1.5 कप दाल है मेरे पास। और इसके लिए मुझे चाहिए नमक, हींग और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। ये दाल जो है बहुत ही अच्छी बनती है, लेकिन बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाती है। आप देखेंगे मैं साथ साथ बताऊंगी हम क्या क्या इसमें डाल रहे हैं। कुछ ज्यादा सामान होता ही नहीं है, जो भी आपके पास घर में है उसी से बन जाती है और बनती बहुत लाजवाब है। देखिए मैंने ये कुकर लिया है, इस कुकर में मैं ये दाल को पलट देती हूँ। और इसमें मैं डाल दूंगी ये पानी। पानी हमने इसमें, क्योंकि ये बहुत देर तक करती है, तो पानी की आप जो क्वांटिटी है उसको अब मत देखेंगे 4 कप डाल रहा है 5 कप। पानी हमें साथ साथ और बार बार डालना पड़ेगा इसमें। अब मैं फ्लेम मैंने ऑन कर दी है, साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी ये हींग, ये मैंने ली है 1 टीस्पून। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। और साथ में ये है मस्टर्ड ऑयल, ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। कुकर को मैं बंद कर रही हूँ और इसको मैं 4 से 5 विसल आने तक बॉईल करूंगी और उसके बाद इसको हम खोल के खुले में पकाएंगे। और कब कब क्या क्या डालना है ये मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी। दाल मैंने उबाली है कुकर में, मैंने इसको 4 विसल दी है और अब मैंने इसको बड़े बर्तन में थोड़ा ट्रांसफर कर दिया है। थोड़ा खुला है ये ताकि आराम से इसमें उबल जाए। ये देखिए दाल जो है ना, देखिए दाल सिर्फ मैंने, मेरी दाल सिर्फ फट गई है, बिल्कुल गली नहीं है, गल गई, मतलब बहुत ज़्यादा मैशी मशी नहीं हो गई है। अब मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी, मैंने एक तरफ पानी भी बने रखा हुआ है। पानी मैंने बताया था कि पानी हमें साथ साथ इसमें बार बार डालना पड़ेगा क्योंकि दाल हमें बहुत देर तक उबालनी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ये गर्म पानी है, करीब मैंने 2 कप के करीब पानी डाल दिया, 2 से 2.5 कप पानी इसमें डाल दिया। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ ये अपना, ये मैंने लिया है मेरे पास 6 गार्लिक के क्लोव लिए मैंने, और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का और एक हरी मिर्च मैंने ले ली है। उन सबका मैंने एक पेस्ट बना दिया है और मैं ये पेस्ट भी इसके अंदर डाल दूंगी। अगर आप टोटल देखेंगे चम्मच में तो ये 2 टेबलस्पून पेस्ट है टोटल। और अब हमें दाल में करना कुछ भी नहीं है, अब हम इसको फिर रख देंगे उबलने के लिए। कम से कम 1 घंटा फिर से उबलेगी अदरक और लहसुन और मिर्ची के पेस्ट के साथ। जो दाल है ये मखनी, इसमें कुछ भी ज्यादा सामान डलता ही नहीं है, लेकिन फिर भी इतना अच्छा टेस्ट देती है। इसमें सिर्फ हमें जो दिखानी है वो दिखानी पेशेंस, सब्र, क्योंकि इसको पूरा कई घंटे में उबालना है। अगर आप देखेंगे एक रेस्टोरेंट में जो दाल बनती है वो आपको मालूम है कितने घंटे उबलती है, 30-35 घंटे वो दाल उबलती है। हम घर में इतना नहीं उबाल सकते, लेकिन फिर भी इसको हम 3 से 4 घंटे में उबालना पड़ेगा। धीरे गैस पे आराम से ये पकती रहेगी और मैं 1 घंटे के बाद आपको दिखाऊंगी मैं क्या क्या डाल रही हूँ। लेकिन बीच में मैं आके इसको हर 15-20 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, जब जैसे भी होगा मैं आके इसको थोड़ा थोड़ा स्टर करती रहूँ बीच में, ताकि ये नीचे लगे ना। और दूसरी बात, हमें इसमें बिल्कुल भी करछी यूज नहीं करनी है। इस तरह का आप एक ये ले लें लकड़ी का कोई भी, उससे आप दाल को हम सिर्फ ऐसे ऐसे ही लाएंगे, दाल को हमने घुमाना नहीं है, सिर्फ उसको ऐसे ऐसे करेंगे। घुमाएंगे अगर हम ऐसे ऐसे तो दाल बिल्कुल टूट जाएगी, बिखर जाएगी। आप देखिए मेरी दाल को 1 घंटा हो गया है धीरे आंच पे पकते पकते। आप देखिए ये कैसी लग रही है। पहले इसमें मैंने डाला था ना लहसुन अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट, अब टाइम आ गया 1 घंटे के बाद, इसमें मैं डालूंगी टोमेटो प्यूरी। ये मैंने 3 टमाटर लिए हैं, उसमें 1 चम्मच मैंने बड़ा वाला टोमेटो प्यूरी भी डाल दिया था ताकि इसका कलर और अच्छा हो जाए। रेस्टोरेंट में जो खाते हैं ना दाल, थोड़ी सी लाली के साथ होती है, हल्का हल्का उसका रेड रेड थोड़ा सा कलर होता है, वो सब इसी से आता है। और एक और भी है जिसकी वजह से ये लाल रंग की बन जाती है, ये देखिए ये है मेरे पास
देगी मिर्च। इसमें मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ पानी ताकि दाल में जाके ये लम्स नहीं बन जाए इसके, अच्छे से इसको हिला के। अब मैं इसको भी इसके अंदर ही डाल दूंगी। देखिए डालते रंग फर्क हो गया ना इसका एकदम से। अब जब ये एक घंटा और पकेगी तो और इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा। अब इसको मैं छोड़ दूंगी एक घंटा और पकने के लिए, लेकिन बीच में मैं आके इसको थोड़ी थोड़ी देर में 10-15 मिनट के बाद आके इसको मैं हिलाती रहूंगी। दाल कड़ तड़के देखिए बिल्कुल कलर सा रेड हो गया है, जैसे रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं देखो वैसे ही कलर लग रहा है। इसको मैंने 1.5 घंटा और पका दिया। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ ये बटर। बटर मैं इसमें डाल रही हूँ 75 ग्राम्स, क्योंकि मैं घर में बना रही हूँ तो मैं इससे ज़्यादा मक्खन इसमें नहीं डालूंगी। अगर आप यही रेस्टोरेंट में खाते हैं तो वहां तो वो डाल देते हैं 150-200 ग्राम बटर इतनी दाल में। अब इसको मक्खन डाल दिया है, दाल मखनी है तो मक्खन तो ऑब्वियसली इसमें डलेगा डलेगा, मखनी दाल है तो मक्खन के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है ना। लेकिन हम घर में बनाते रहते हैं तो कम ज्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। मुझे इसको बनाते बनाते याद आ रहा है, ये दाल मुझे सिखाई थी मेरे दादाजी ने बनानी। मेरी मम्मा जॉब करती थी तो घर में दादाजी होते थे, उन्होंने मुझे सिखाई थी। उन्होंने मुझे कहा था कि दाल मखनी खूब कड़ कड़ के बननी चाहिए, रेजे दे के पकाओ। इन्हों पंजाबी में कहते हैं रेजे दे के पकाओ, मतलब खूब काड़ काड़ के खूब पकाना है इसको और तभी इसका असली टेस्ट आता है। क्योंकि जितना ये कड़ेगी अपना ये स्टार्च रिलीज करती है उसी से टेस्ट आता है। साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ ये मैंने यहाँ पे ली है 2 टेबलस्पून के करीब मैंने क्रीम ले ली है, ये डाल दूंगी इसके अंदर। अब क्रीम भी हमारे हाथ में, हम चाहे इससे कम डाल दें चाहे तो इससे ज़्यादा डाल दें, जैसे रेस्टोरेंट में डलती है इससे ज़्यादा वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो ये इनफ है। इससे ज़्यादा हम डाल के क्या करेंगे, देखिए लग रही है ना हमको लाल एकदम से जैसे रेस्टोरेंट में बनती है। लेकिन अभी ये बनी नहीं है, अभी मैं इसको ऐसे ही स्लो गैस के ऊपर 1/2 घंटा कम से कम और पकाऊंगी, उसके बाद ये दाल हमारी तैयार होगी। देखिए दाल अब 1/2 घंटा और पक चुकी है, अब बिल्कुल रेडी है ये। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी ऊपर से और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला। अब ये दाल बिल्कुल तैयार है हमारी प्लेटिंग करने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि दाल तड़का नहीं लगाया, मखनी दाल होती है, दाल मखनी को तड़का बिल्कुल नहीं लगता, ये ऐसे ही पकती है। जैसे हमने इसमें पहले लहसुन अदरक डाला अपने आप पक गया, सब अपने आप पक जाता है और दाल तैयार है। अगर आपका फिर भी मन है तो आप इसमें रोगन बना के डाल सकते हैं। अगर आपको रोगन बनाना नहीं आता तो आप मेरी पालक पनीर की रेसिपी देखिए, उसमें मैंने रोगन बनाया है। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा घी लें आप या बटर ले लें, उसमें थोड़ी सी देगी में डाल के उसको भून लें थोड़ा सा और उसके ऊपर से पोर कर दें, बस सिंपल है। चलिए अब मैं आपको बताऊंगी इसको कैसे, इसका प्लेटिंग करना है हमने, प्लेटिंग करके दिखाती हूँ और टेस्ट करके भी बताऊंगी। दाल मेरी एकदम तैयार है, मन कर रहा है मैं फटाफट इसको डालूं और खा लूं। वाकई सबर का फल बहुत मीठा होता है। दाल मेरी इतनी अच्छी बनी है, कम कैलोरीज में रेस्टोरेंट से भी अच्छी दाल बनी है, बहुत ही मजेदार। मैं अपने को रोक नहीं पा रही, दिल कर रहा फटाफट मैं खाते जाऊं। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं खा रही हूँ अपनी दाल और आप करें दाल बनाने की तैयारी। बाय बाय।